आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें कंसंट्रेशन टर्म को समझना होगा। वन पर्टिकुलर सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन, यानी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का किसी सॉल्यूशन में जो अमाउंट होता है वह उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कहलाता है। आइए इसे समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सब इसके लिए हम लोग जो है वाटर और सॉल्ट लेते हैं। अब इस वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट मिला देते हैं। अब क्या होता है, एक सॉल्यूशन तैयार होता है। इस सॉल्यूशन में क्या है, तो ये सॉल्यूशन में वाटर और सॉल्ट है। एंड इन दिस सॉल्यूशन इज द सॉल्ट कंसंट्रेशन, एंड मेजर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन इज द वाटर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को समझने के लिए हम लोग एक बीकर में, पानी से भरे बीकर में कुछ ड्रॉप इंक के डालते हैं। जब इस इंक के ड्रॉप को हम लोग जेंटली डालते हैं तो क्या देखते हैं, हम लोग जो इंक का ड्रॉप है वो धीरे धीरे जो है पूरे वाटर में फैलने लगता है। यानी इंक का जो ड्रॉप है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है और पूरे पानी में फैल जाता है। तो डिफ्यूजन जो है वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का जो मूवमेंट है डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गैसेस एक्सचेंजेस बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल में जो गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं वे डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। यानी कि जो वाटर का जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जब होता है तो फेनोमेनन को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग जो है दो बीकर लेते हैं, ए और बी। बीकर बी में हम लोग जो है थोड़ा सा सॉल्ट मिलाते हैं। जैसे ही हम लोग सॉल्ट मिलाते हैं तो जो वाटर का कंसंट्रेशन, बी का जो वाटर कंसंट्रेशन है वो लो हो जाता है और ए का वाटर कंसंट्रेशन हाई है। यानी बी में जो है वाटर हाई वाटर कंसंट्रेशन है और बी का बी में जो है लो वाटर कंसंट्रेशन है। और इस तरह जो वाटर का मूवमेंट है वो हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ होने लगता है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इस फेनोमेनन को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। वॉट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और ए प्लांट सेल इन टू ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट इन वाटर। थ्री थिंग्स कुड हैपन। एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक डी सेल्ड एक को हम एक ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसमें वाटर कंसेंट्रेशन हाई है। यानी इस मीडियम, ये मीडियम जो है बहुत ही डाइल्यूट है। क्या होता है, जब हम लोग एक को, डी सेल्ड एक को ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसका वाटर कंसंट्रेशन हाई होता है, तो जो वाटर है वो सेल के अंदर जाने लगता है थ्रू द ऑस्मोसिस, और इस तरह जो है सेल का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। इस सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब दूसरा कंडीशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी डी सेल्ड एक को हम लोग ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसका जो वाटर कंसंट्रेशन है वो एक के अंदर के वाटर कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। ऐसे कंडीशन में जो है वाटर का मूवमेंट जो होता है वो नहीं होता है और सेल जो है कोई इफेक्ट नहीं होता है, सेल जो है सेम साइज का रहता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा कंडीशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हम लोग एक डी सेल्ड एग को ऐसे सॉल्यूशन में रख देते हैं जिसका जो वाटर कंसंट्रेशन है वो लो होता है, तो इस कंडीशन में जो एग का जो वाटर है वो मीडियम में आने लगता है और इस तरह जो है एक जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। इस सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। रिकैप, डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गैसेस एक्सचेंजेस बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि डिफ्यूजन जो होता है वो सेल में गैसेस एक्सचेंजेस में अहम भूमिका अदा करता है। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच। यानी कि ऑस्मोसिस जो है वो हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जो है मूवमेंट होता है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।